हाय एवरीवन, सो लास्ट वाली क्लास में हमने स्टार्ट की थी बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने पोरफायरिन रिंग के बारे में देखा था, उनका स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज किस तरह से होती हैं, उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, बॉन्ड कौन से वाले किस वाले मेटल का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, उसमें डिस्कस किया था। अब ना उसमें एक करेक्शन है। देखो, मैंने लिखवाया था आपको, हमने ये ड्रॉ करी, यहाँ पे पोरफिन हमने ड्रॉ करी, फिर हमने काउंट किया टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और हमने लिखे थे टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इज इक्वल टू 11, है ना। और इसके इसका होगा 11 इंटू 2 यानी कि 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन अगर आपसे कोई स्पेसिफिकली पूछता है क्या ये हमारे पास रिंग एरोमेटिक है, तो हम बोलेंगे हाँ एरोमेटिक तो है। एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि ये हकल रूल को फॉलो करती है, सारे सिस्टम प्लेनर भी है, ये वाली सारी बातें ठीक हैं। अगर कोई स्पेसिफिकली पूछे कि इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी, जो हकल रूल होता है 4n+2, ये वाली एन की वैल्यू इसमें कितनी, तो उसको 5 नहीं निकाल सकते हम। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैक्रोसाइक्लिक सिस्टम है, ये हमारे पास मैक्रोसाइक्लिक सिस्टम है और मैक्रोसाइक्लिक सिस्टम में हम सिर्फ बाउंड्री वाले पाई बॉन्ड्स को काउंट करते हैं, फिर सिर्फ बाउंड्री वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर्स को ही काउंट करते हैं हकल रूल के टाइम पे, लगाते टाइम, है ना। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं पेरिफ्री, इसका मतलब होगा सिर्फ बाउंड्री वाले ही हमें देख रहे हैं, सिर्फ बाउंड्री वाले काउंट करेंगे। तो जो हमने पहले निकाला था एरोमेटिक, तो वहां से भी आया था और यहां से भी आया है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए ना इनकी वैल्यू, तो फिर अगर वैसे निकाला तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हम बात करें हकल रूल की ना, तो हकल रूल में 4n+2 में ये इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ ऐसे वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स जो सिर्फ बाउंड्री पे प्रेजेंट है। बाउंड्री का मतलब ये वाले कार्बन अपने पास क्या बाउंड्री वाली हैं, तो जो ये वाले कार्बन है इनमें जो भी डबल बॉन्ड लगा होगा उसको तो हम बोल देंगे, उसको मान लेंगे बाउंड्री वाला है वो, लेकिन इनके अलावा मानेंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, जो ये वाला पाई बॉन्ड है ये बाउंड्री पे नहीं है, ये अंदर की तरफ है ना, तो इसको हम हकल पाई बॉन्ड नहीं बोलेंगे। ऐसे ही जो ये वाला अपने पास है पाई बॉन्ड, इसको भी हम हकल पाई बॉन्ड नहीं बोलेंगे, इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम हकल पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने अपने पास 11 पाई बॉन्ड्स, इसमें से 2 हमने माइनस कर दिए इक्वल टू 9 यानी कि 9 2 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम इक्वल टू 18 लिखेंगे यहाँ पर, और ये 4n इज इक्वल टू 16 हो गया और n की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। ये वाला क्वेश्चन ना स्पेसिफिकली IIT जैम में पूछा गया था, वहाँ पे यही पूछा था कि n की वैल्यू कितनी होगी इस वाले सिस्टम में। तो इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको 5 नहीं दिखा सकते हैं, फिर तो पक्का गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ, सिस्टम एरोमेटिक रहेगा, लेकिन फिर ये क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली पूछा गया है, हकल रूल की बात हो रही है, उसमें हम सिर्फ बाउंड्री वाले काउंट करते हैं। एक तो ये वाली चीज़ है, एक और है जो मैंने लिखा था, उसमें एक ऑर्डर थोड़ा सा करेक्ट करना है हमें। देखो, मैंने आपको लिखाया था कि जो स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की, जो मतलब हमारे पास बनने वाला है, इसमें जो मेटल पोरफायरिन बनेंगे, इसे जो मेटल इंसर्ट करेंगे, उसमें मैंने बोला था क्या फॉलो करता है, वो विलियम इरविंग सीरीज। ये ऑर्डर फॉलो करता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये फॉलो करता है। हमने कुछ इस तरह से लिखा था, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। ये पूरी तरह से गलत तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना बाकी सब कुछ तो ठीक है, ये वाला ऑर्डर बाकी सब कुछ ठीक है। जो निकल 2+ होता है स्पेसिफिकली, क्योंकि हमें ये पता है क्या बनेगा, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, मेटल जाके यहाँ पे इंसर्ट होगा, है ना, तो ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और हमें ये पता है निकल 2+ के अपने पास D8 और D8 वाले जो होते हैं वो तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से बनाते हैं, है ना। इसकी वजह से निकल 2+ की जो स्टेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होती है, तो ये कॉपर से भी आगे होता है, ये कॉपर से भी आगे जाएगा। तो लिख सकते हैं आयरन Fe2+, कोबाल्ट 2+, कॉपर 2+ एंड देन निकल 2+, ये है। अब ना आपको एक बात बोलना चाहूँगी, जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें ना बहुत सारी बुक्स में आपको अलग अलग डेटा देखने को मिल सकता है, कुछ कुछ डेटा आपको यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, कुछ में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आपको जब भी कहीं बुक से पढ़ते हो अगर, तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं जो आप लिखा हुआ पक्का करेक्ट हो, तो उसको 2-3 जगह से चेक कर लेना पहले। मैंने पहले वही वाली गलती करी, मैंने यहाँ पे ये वाला मैंने बुक में देखा था, मैंने आपको यही बताया, बट स्टिल मैंने जब चेक करा, काफ़ी सारी रेफरेंसेज देखी, तो फिर ये वाला अपने पास एक्यूरेट है, इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ यहाँ पर उसकी मैं रेफरेंस 1-2 जगह से पहले चेक कर लूँ, क्योंकि ना इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज तो हैं। तो यहाँ पर आते हैं, निकल जो है वो हाईएस्ट हो गया, हमने ये बोला जो जिंक है
उससे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा कॉपर का, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि इस वाली पूरी सीरीज में जिंक की पोजीशन आएगी कहाँ पर, ये वाली बात तो ठीक है कि कॉपर जो है वो जिंक से ज़्यादा, मतलब कॉपर जो है वो जिंक से ज़्यादा स्टेबल बनाएगा मेटलोपोरफायरिन, लेकिन जिंक की पोजीशन कहाँ पर आएगी, तो ये वाला पोर्शन ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन इसकी यहाँ पर आती है आयरन के भी बाद। ये है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन, और ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी सब कुछ तो सेम फॉलो हो रहा है, निकल 2 प्लस ओके डी8 कॉन्फ़िगरेशन है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बहुत अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल इसका कॉम्प्लेक्स होने वाला है। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो ये सब तो हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। हमने लास्ट में स्टॉप किया था कहाँ पर, मैंने दो टर्म्स लिखी थी, हीम प्रोटीन एंड नॉन हीम प्रोटीन, हीम प्रोटीन एंड नॉन हीम प्रोटीन, ये है ना। हीम प्रोटीन का मतलब होता है ऐसे वाले प्रोटीन जिनमें आयरन तो होगा, हीम का मतलब तो आयरन होता है, आयरन तो है, साथ में क्या है, पोरफायरिन रिंग भी प्रेजेंट होगी। और जो नॉन हीम प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है, आयरन तो है लेकिन पोरफायरिन रिंग नहीं होती है। तो ऐसे वाले सब्सटेंस में आयरन तो है लेकिन पोरफायरिन रिंग नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन हीम प्रोटीन। और मैं आपको एक लास्ट लाइन लिखवाई थी, नॉन हीम प्रोटीन क्या होते हैं, यूज होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो आज हम पहले यही पढ़ेंगे नॉन हीम प्रोटीन, फिर मूव करेंगे हीम प्रोटीन पे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करेंगे नॉन हीम प्रोटीन से, लिखो यहां पर हम लिख सकते हैं, हेडिंग लिखेंगे, हम पढ़ रहे हैं नॉन हीम प्रोटीन्स, इनका मेन काम होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। इसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, क्या एग्जांपल था, रुब्रिडॉक्सिन, फाइडॉक्सिन है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखो आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, ये हमारे पास एक एग्जांपल, हम इसको बोल सकते हैं किसका, नॉन हीम प्रोटीन का, आयरन सल्फर प्रोटीन्स, ओके। अब ना इनके हम कुछ कुछ मेन पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले लिखो ये होता है एक नॉन हीम प्रोटीन, ठीक है, लिख दो पहले उसमें नॉन हीम प्रोटीन। इसके बाद ना ये होता किस तरह का है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। इसे लिखो कंटेन्स, कंटेन्स वन, कंटेन्स वन टू टू एट नंबर ऑफ आयरन एटम्स, नंबर ऑफ आयरन एटम्स। इसमें एक, दो या फिर दो से लेके मतलब आठ तक, इन बिटवीन टू टू एट नंबर ऑफ आयरन एटम्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आगे देखेंगे, अभी लिखते जाओ बस। हर एक जो आयरन एटम है वो कनेक्ट होता है चार सल्फर से, ईच आयरन, ईच एफ ई इज कनेक्टेड टू, इज कनेक्टेड टू फोर सल्फर टेट्राहेड्रली, टेट्राहेड्रली। आयरन के अराउंड चार सल्फर होंगे, कौन से, उसमें ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। देयरफोर क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है इसलिए हाई स्पिन, देयरफोर हाई स्पिन, हाई स्पिन, टेट्राहेड्रल इसलिए हाई स्पिन। आपको बहुत बड़ी बड़ी लाइंस लिखने की बिल्कुल नीड नहीं है, हम पॉइंट्स में बना के लिखेंगे ताकि आपको रिवाइज करने में भी आसानी रहे। इसके लिए हम एग्जाम डोज नहीं बना सकते, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर है, तो मेन मेन पॉइंट्स लिखते हुए चलेंगे साथ में, ठीक है। अब ना हम स्टार्ट करेंगे, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं, हम वही पढ़ रहे हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन ही पढ़ रहे हैं। इसमें एक टर्म आती है लिबाइल, लिबाइल एंड नॉन लिबाइल सल्फर, नॉन लिबाइल सल्फर। हमने ये देखा है एक आयरन जो है वो सल्फर से अटैच होगा, कितने सल्फर से, चार सल्फर से, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। तो जो ये सल्फर है ना, इसमें दो तरह के हो सकते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन में जो सल्फर होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, होता है लिबाइल सल्फर, एक होता है नॉन लिबाइल सल्फर। तुमने एक काम कर सकते हैं, लिबाइल सल्फर में लिखो
लिपाइल सल्फर मेरे पास कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक सल्फर। ये बात मैं समझाती हूँ आपको भी। इनऑर्गेनिक सल्फर, जो इनऑर्गेनिक सल्फर होते हैं वो लिबाइल होते हैं, और नॉन लिबाइल कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सल्फर, ऑर्गेनिक सल्फर, ऑर्गेनिक सल्फर। अब नहीं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहाँ से आ रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लिबाइल का मतलब देखो, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था लिबाइल का मतलब होता है ऐसे वाले कुछ भी कॉम्प्लेक्सेस जो किसी बाहर से रीजन कोई आएगा कुछ ना कुछ वहाँ पे रिएक्शन करवाने वाला है, मतलब कोई बॉन्ड वॉन्ड ब्रेक होंगे, है ना। तो लिबाइल का मतलब होता है, जैसे देखो आप लिख सकते हो यहाँ पे, कैन बी अफेक्टेड बाय, अफेक्टेड बाय एसिड्स, बाय एसिड्स। लिबाइल सल्फर क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सल्फर्स होते हैं जिनको एसिड अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब लगा सकते हो रिप्लेसेबल। लिबाइल का मतलब हम रिप्लेसेबल भी लिख सकते हैं, रिप्लेसेबल। अपना एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोई मेटल लगा हुआ है, ठीक है, आयरन हो सकता है, यहाँ पर सल्फर लगा हुआ है एक, यहाँ पर मेटल लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से है, इसमें हमने ना एसिड ऐड करवाई, इसमें हमने मान लो एसिड डाल दी यहाँ पर एक्सेस में सपोज, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे जो एच सी एल अपने पास क्या होगा, यहाँ पे एच प्लस आएगा, यहाँ से एच प्लस जो है ना वो इस बॉन्ड को ब्रेक करवा देगा, सल्फर को रिप्लेस करेगा, यहाँ से जो अपने पास जो मेटल है दोनों इनको इनको रिप्लेस कर देगा, दोनों मेटल को क्या होगा यहाँ पे एच प्लस लग जाएगा, ये बन जाएगा ये। तो बेसिकली जो हमारे पास लिबाइल सल्फर होंगे उसमें आप जैसे ही एसिड ऐड करवाओगे, एसिड ऐड करवाते वाले बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों मेटल को रिप्लेस कर लेगा कौन, अपना एच, और ये बन जाएगा क्या, ये एच टू एस, एच टू एस गैस होती है, इसको हम बोल रहे हैं लिबाइल सल्फर, जो एसिड की प्रेजेंस में रिप्लेसेबल होते हैं, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, नॉन लिबाइल या फिर नॉन रिप्लेसेबल सल्फर, लिखो नॉन रिप्लेसेबल, नॉन रिप्लेसेबल। इनको एसिड के प्रेजेंस या फिर किसी और किसी के प्रेजेंस से फर्क नहीं पड़ता, क्या होते हैं, नॉन रिप्लेसेबल होते हैं। हमने लिखा है ऑर्गेनिक सल्फर ऐसा होता है, ऑर्गेनिक वर्ड क्यों आया है देखो, अगर मैंने यहाँ पर लिखा ये मेटल है, इस पे लगा हुआ है कोई सल्फर, सल्फर कहाँ से आए, इस रेड में कोई सिस्टीन ऐसे करके, एस वाई एस, सी वाई एस, सी वाई एस क्या है, सिस्टीन है, सिस्टीन क्या होती है, अमीनो एसिड है, सिस्टीन एक अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, इतनी ज्यादा एसिडिक नहीं होती, इसको हटा दो कंफ्यूजन ना, इसलिए अमीनो एसिड है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, अमीनो एसिड वो होती हैं जिन पे एक कार्बन पे COH भी लगा हो और सेम कार्बन पे NH2 भी लगा हो, H में लिखा यहाँ पर CH2 और यहाँ पर SH, ये स्ट्रक्चर होता है सिस्टीन का, सिस्टीन को हम CYS से रिप्रेजेंट करते हैं, CYS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट ये है, अगर मेटल के साथ ये सिस्टीन वाला सल्फर अटैच्ड हो, मतलब पूरा सिस्टीन वाला ग्रुप है ये पूरा, इसको हमने CYS लिख दिया, इसका मतलब है पूरा ये सिस्टीन ग्रुप तो है, H को हटाया यहाँ से मेटल लगा दिया, तो उन्हें बस कहेंगे मेटल और ये, ठीक है। ऐसे अटैच है किससे, CH2 से, फिर CH, NH2, COH, पूरा ग्रुप है यहाँ पर, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, H के प्लेस पे मेटल लगा दिया गया, इसको हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक सल्फर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक अमीनो एसिड से है ना यहाँ से, इसलिए इसको बोल रहे हैं ऑर्गेनिक सल्फर। इसमें अगर आप एसिड ऐड करवाओगे बिना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होने वाला, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिप्लेसेबल या फिर नॉन लिबाइल सल्फर। ये जैसे पहले है अभी भी मतलब वैसे ही रहने वाला है, ठीक है, ऑर्गेनिक सल्फर इसको बोल रहे हैं, क्लियर हुआ, ओके। अब ना एक जनरल फॉर्मूला होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है, लिखो फॉर्मूला ये है FeNSn, FeNSn किसका फॉर्मूला है, ये नॉर्मल आयरन सल्फर प्रोटीन का, आयरन सल्फर प्रोटीन का जनरल फॉर्मूला हो गया, ओके। यहाँ पर ना ये S का रिप्रेजेंट करता है, S जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लिबाइल सल्फर, नंबर ऑफ लिबाइल सल्फर। ये हमने जनरल फॉर्मूला लिखा आयरन सल्फर प्रोटीन का FeNSn, यहाँ पे S क्या होता है, नंबर ऑफ लिबाइल सल्फर एटम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखवाया RS4
Fe4S4 ये लिखा, ठीक है। इसमें हमने ऐड करवा दिया सपोज एसिड, लेट्स से हमने ऐड करवाया, यहाँ पर मैंने H+ लिखा है और एक्सेस लिख दिया ब्रैकेट में कि जो एसिड है वो एक्सेस में है। एक्सेस का मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी रिप्लेसेबल सल्फर एटम्स हैं सबको रिप्लेस कर देगी, ठीक है। जितने भी रिप्लेसेबल सल्फर एटम्स हैं सबको रिप्लेस कर देगी। हमने लिखा है जनरल फॉर्मूला, इसका मतलब ये है जितने हमारे पास इसे मालूम है क्या होगा, इसको देखो ध्यान से, आयरन फोर है ना, एन के लिखी होगी फोर, एस बी फोर, इसका मतलब ये हो गया जो ये वाला पार्टन, जो ये वाले सल्फर अपने पास है, ये वाले क्या है, लेबाइल सल्फर है, ये रिप्लेस हो सकते हैं एसिड से, ये रिप्लेस नहीं होंगे, ये वाले सल्फर जो है वो रिप्लेस नहीं होंगे, समझ जो। जनरल फॉर्मूला ये है, जितने आयरन हमारे पास होंगे उतने हमारे पास सल्फर जो होंगे वो रिप्लेसेबल होंगे। इतना क्लियर हुआ। हमने एक चीज़ देखी थी, अगर मैं जनरल लिख रही हूँ इस तरह से करके ऐसे, इसका मतलब क्या होगा, हमें बनानी यहाँ से H2S गैस है ना, ओके। तो एक सल्फर जिसको दो एच प्लस चाहिए होंगे, एक सल्फर को दो एच प्लस चाहिए होंगे, चारों कितने चाहिए होंगे, एट, मैं लिख सकती हूँ प्लस में 8H+। हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं, इसको हटा के यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 8H+ क्या होगा, हमें मिलेंगे 4H2S, इस तरह से दिखा सकते हैं, है ना। साथ में क्या होगा, देखो यहाँ से जो सल्फर हमने बस आई है S2- ना यहाँ पर, ये इसकी वजह से हमने 4S- निकाल दिए यहाँ से, कितना हो गया चार्ज, 8-, तो हमने 8- वो बाहर निकाल दिया, 8- हम बाहर निकाल दिया, अब क्या बचेगा, 8+ ना, साथ में हम लिख सकते हैं यहाँ पर RS4 Fe4 8+, क्योंकि 8- चार्ज जो है वो बाहर जा चुका है, 8H+ से मिलके न्यूट्रल हो गया, वहाँ पे H2S बन गया, साथ में अब चार्ज बचेगा प्लस वाला, प्लस 8 का, क्योंकि 8- बाहर गया तो क्या होगा, प्लस छोड़ के जाएगा, माइनस बाहर जाएगा तो प्लस छोड़ के जाएगा, ठीक है, वो हमने लिखा यहाँ पर। तो जनरल फॉर्मूला ये है, इसको हम देख के पता लगा सकते हैं कितने सल्फर वहाँ पे लेबाइल होंगे कितने नहीं होंगे। इतना क्लियर हुआ। अब ना आगे देखते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन का फर्स्ट एग्जांपल, कौन सा है, आयरन सल्फर प्रोटीन का फर्स्ट एग्जांपल अपने पास है रुब्रिडॉक्सिन। ये एक बार रिकैप करते हैं, हम पढ़ रहे हैं नॉन हीम प्रोटीन, नॉन हीम प्रोटीन का एग्जांपल होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, और आयरन सल्फर प्रोटीन का फर्स्ट एग्जांपल है रुब्रिडॉक्सिन, ठीक है, ओके। इसका जनरल फॉर्मूला होता है Fe1S0। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर एक भी रिप्लेसेबल सल्फर नहीं है, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर जीरो का मतलब हो गया नो रिप्लेसेबल सल्फर प्रेजेंट, नो रिप्लेसेबल सल्फर प्रेजेंट। यहां पर जो जनरल फॉर्मूला था अपने पास FeNSn, जो भी n की वैल्यू का मतलब क्या होगा, इतने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल सल्फर जो है वो प्रेजेंट है अपने पास सिस्टम में। इसका जनरल फॉर्मूला है Fe1S0। इसको हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल रुब्रिडॉक्सिन। ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो, जो हमारे पास आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बैक्टीरिया और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ऊपर लिखा था हमने FeS प्रोटीन, वो जनरली प्लांट्स और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, रुब्रिडॉक्सिन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें सिर्फ एक आयरन है, ठीक है, हमने आयरन दिखाया यहाँ पर, अब इसके पास एक भी रिप्लेसेबल सल्फर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एक भी इनऑर्गेनिक सल्फर नहीं होगा, कौन से होंगे, सारे ऑर्गेनिक वाले सल्फर होंगे, ऑर्गेनिक वाले सल्फर कहाँ से आते हैं, सिस्टीन से। तो यहाँ पर अटैच करो चार्ज, जितने भी Fe अपने पास जितने भी क्या होते हैं FeS प्रोटीन होते हैं, सब में जो मेटल होगा आयरन वो अटैच होता है चार सल्फर से। अब वो रिप्लेसेबल है नहीं है वो बात अलग है, लेकिन होंगे चार पक्का, ओके। आगे देखो, हमने ये तो दिखाया, ये सल्फर जो अगर सो ऐसे हमने छोड़ देखा, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इनऑर्गेनिक सल्फर है, और इनऑर्गेनिक सल्फर क्या होता है, रिप्लेसेबल होता है, इसलिए वो तो नहीं है, ये कौन सा है, सिस्टीन है।
ब्रैकेट में लिखो 16, तो चार 16 ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, चार 16 ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, ये तो ये होता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडॉक्सिन प्रोटीन्स। कुछ बुक्स में ऐसे दिखाया गया है, कुछ बुक्स में क्या करते हैं सल्फर लिखा यहां पर, CH2 लिखा और फिर देते ब्रैकेट में 16, तो वो बेसिकली बात एक ही है। स्ट्रक्चर क्या होता है, SH, CH2, CH, इधर COH, इधर यहाँ पर NH2, है ना। तो दिखा तो हम पूरा यही रहे हैं, ऐसे अटैच करवा दिया बस इसको, H को हटाया मेटल लगा दिया, ठीक है वो वाली बात है। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर इससे कन्फ्यूजन होते कि इनऑर्गेनिक सल्फर हो सकता है तो ध्यान रखो ऐसे लिख लो, ताकि आपको ध्यान रहे कि कहाँ से आया है, 16 से आया है ये वाला S, अली सब ब्रैकेट में ये, तो दोनों ही सही हैं, बस आपको खुद से समझना है। ये CH2 से अटैच्ड है, ये बेसिकली क्या है पूरा 16 है यहाँ पर, पूरा ड्रो नहीं कर रहे उसको, सिर्फ 16 लिख के काम चला रहे हैं। चाहो तो यहाँ भी दिखा सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस, 16 ऐसे ऐसे भी आप दिखा सकते हो। तो बात ओवरऑल ये है स्ट्रक्चर की, इसमें क्या है, जीरो लिबाइल सल्फर, जीरो लिबाइल सल्फर, वन आयरन एटम एंड कितने, 1, 2, 3, 4, फोर नॉन लिबाइल सल्फर, नॉन लिबाइल सल्फर, और नॉन लिबाइल सल्फर का मतलब है वो 16 से ही आ रहा होगा, ठीक है। अब ना बात ये है कि जो अपने पास रिप्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, कलर्ड होते हैं, रीजन क्या होता है, कलर्ड ड्यू टू LMCT, LMCT क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। रिप्रोडक्शन प्रोटीन्स आर कलर्ड ड्यू टू LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मतलब लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिगेंड से मेटल के पास जा रहे हैं। ऐसे कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हो रहा है, लिगेंड क्या है अपने पास, 16 है, सल्फर है क्या अपने पास, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसीलिए लिगेंड से मेटल के पास जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ओके। अब अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, क्या है अपने पास, टेट्राहेड्रल है, इसकी ज्योमेट्री क्या, टेट्राहेड्रल, इसलिए हाई स्पिन, इसलिए हाई स्पिन। अब ना एक और चीज़ है, क्या, जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कौन सी कौन सी, एक होती है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और एक होती है रिड्यूस्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जो आयरन होता है उसमें होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे लिखो चाहे जैसे बुक्स में लिखा होता है ऐसे करके, जैसे मन करे वैसे लिखो। रिड्यूस्ड फॉर्म में आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या हुआ, पहले मान लो Fe3+ है, ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेना उसने, चार्ज कम हो जाएगा, Fe2+ बन जाएगा। तो रिड्यूस्ड फॉर्म में Fe2+ में है और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में Fe3+ फॉर्म में होता है, ठीक है, 3+ में है ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना इस चीज़ का। एक और चीज़, ये कितने, एक जो रिप्रोडक्शन मेरे पास है वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, सिर्फ एक, है लिखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट, बस इतनी कहानी काफ़ी है रिप्रोडक्शन के लिए, हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया। अब क्वेश्चन जो मर्जी पूछे इन्हीं में से हम कुछ ना कुछ लगा के आंसर कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखो, बायो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता है, बस पॉइंट ये है, आपको जितना पता है ना, जितना भी पता है, कभी भी ऐसे ट्राई मत करना कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, यूजलेस है वो पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है। आप सोचो हम मतलब दो बुक से पढ़ लेंगे, बायो के बहुत अच्छे से नोट्स बना के बनाते रहो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना आप टाइम लगाओगे ना, इतना हर कोई, अगर कोई कम टाइम लगाएगा तो भी, और आप अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो भी सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। रीज़न क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, जिसको बेसिक आइडिया होता है वो भी, क्योंकि जनरली क्या होता है, मैच द फॉलोइंग आता है, जनरली इसको नहीं पता होता है वो भी मैच कर लेता है,
और वैसे भी अगर ऑप्शन हमारे पास ना बहुत ईजी होते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट बहुत जल्दी किया जा सकता है बाइनरी ऑर्गेनिक में, तो इसलिए बोल रही हूँ इस चैप्टर पे ज़्यादा टाइम लगाना मत। ऐसा सोचो कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, नोट्स बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन आपको क्या होगा वो हर कोई करके आएगा, तो इसलिए बोल रही हूँ टाइम कम लगाओ चैप्टर पर। इससे अच्छे चैप्टर और भी बहुत सारे पढ़ने के लिए हैं, इस जितना हम पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे निपटा लेंगे, इतना ही काफ़ी होता है इस चैप्टर के लिए, ठीक है? ओके, लिख लिया इतना। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन। कौन सा है? पहले था रिब्रोडॉक्सिन, अब है फेरिडॉक्सिन भी आयरन सल्फर प्रोटीन्स ही होते हैं। पहले हमने पढ़ा, मतलब पहले हमने देखा नॉन हीम प्रोटीन, उसमें आधा एग्जांपल कौन सा, मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन्स का होता है, नॉन हीम प्रोटीन्स होते हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन के दो टाइप होते हैं, कौन से तो रिब्रोडॉक्सिन एक, अपना फेरिडॉक्सिन। हमने रिब्रोडॉक्सिन देख लिया है। अब जो ये फेरिडॉक्सिन होता है इसके भी तीन टाइप हैं, फेरिडॉक्सिन के तीन टाइप होते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं, या फिर एक काम करो पहले लिखो कंटेन फेरिडॉक्सिन्स कंटेन मोर देन वन आयरन एटम, एक से ज्यादा आयरन एटम्स होते हैं और इसके होते हैं थ्री टाइप्स। कौन से लिखो, थ्री टाइप्स के होते हैं। फाइडोक्सिन्स पहले कौन सा, Fe2S2 देन Fe4S4 और फिर होता है Fe4S3। ये हमारे पास तीन टाइप के फेरिडॉक्सिन्स होते हैं, Fe2S2, Fe4S4 एंड Fe3S4। एक आयरन एटम कम है। तो हम स्टार्ट करेंगे इनको वन बाय वन पढ़ना। सबसे पहले हम देखेंगे Fe2S2, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Fe2S2 से। Fe2S2 इज अ टाइप ऑफ फेरिडॉक्सिन प्रोटीन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो रिप्लेसेबल सल्फर यानी कि दो लिबाइल सल्फर हैं। पहले तो लिखो इनको, ऑल्सो नोन एज फोटो सिंथेटिक प्रोटीन, या फिर प्लांट प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, या फिर फेरिडॉक्सिन। ये खुद एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है? सो Fe2S2 इज ऑल्सो नोन एज प्लांट या फिर फोटोसिंथेटिक फेरिडॉक्सिन क्योंकि ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट एक इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करते हैं। इसमें जो ये दोनों हमारे पास आयरन है दोनों ही टेट्राहेड्रल फॉर्म में होते हैं, ठीक है? ले सकते हो टेट्राहेड्रल, बोथ यूनिट्स, दोनों यूनिट जो है वो टेट्राहेड्रल होते हैं। अब दोनों यूनिट्स से क्या मतलब है वो देखते हैं, पहले इसको लिख लो एक बार फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो इसको हम ड्रो करेंगे कुछ ऐसे, हमारे पास दो आयरन है, ठीक है, और दो रिप्लेसेबल यानी कि दो लिबाइल सल्फर भी हैं। जो लिबाइल होते क्या होंगे कि सेंटर में प्रेजेंट होंगे, इस तरह से दिखा सकते हो, ऐसे दिखा दो। ये सल्फर यहाँ पर भी है, ये तो, ये तो हो गए दोनों लिबाइल सल्फर। लेकिन इसके लिए ऐसा होता है जो भी हमारे पास आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं, समय क्या होता है अपने पास टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होता है आयरन का, तो बाकी दो क्या होंगे, बाकी दो भी होंगे तो सल्फर ही, लेकिन वो क्या है नॉन लिबाइल सल्फर यानी कि वो सिस्टीन से आए होंगे। लिखो CH2 देन सिस्टीन, ठीक है? ऐसे यहाँ पर भी क्योंकि टेट्राहेड्रल तो है दोनों यूनिट्स, एक ही वाली यूनिट इस वाले आयरन की और एक ही वाली, दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं। इनके पास दो अपने पास क्या है लिबाइल सल्फर और बाकी क्या है नॉन लिबाइल सल्फर। यहाँ पर लगा वैसे ही S CH2 कहाँ से आई है सिस्टीन से।
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टोटल यहाँ पर इसको समराइज कर सकते हैं, टू एफ ई एटम्स दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल, टू लिबाइल सल्फर एंड 1, 2, 3, 4 नॉन लिबाइल सल्फर। मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद ना करनी पड़े, एटलीस्ट स्ट्रक्चर सिर्फ देखो ऐसे ऐसे होता है, हम सिर्फ ये देखेंगे Fe2S2 है, ठीक है, Fe2S2 का मतलब हो गया दो लिबाइल सल्फर है, उनको ऐसे लगा देंगे बीच में। अब हमें इसका टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट पूरा करना है, जितनी स्पेस बची हुई है वहाँ पे सिस्टीन वाले सल्फर लगा दो, ऐसे करना है, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद काउंट कर लो कितने कितने, वैसे रटा नहीं मारना कि Fe2S2 में 2 होते हैं, 2, 2, 2 कैसे क्या करो, 2, 2, 2, 4 ऐसे करके ना, कुछ करने की नीड नहीं है, सिर्फ इसको देखो, इसका स्ट्रक्चर 2-3 बार देखो बस, स्ट्रक्चर बनाएंगे ये सब खुद से निकाल लेंगे, ठीक है, इन सबको अलग से याद करने की नीड नहीं है, स्ट्रक्चर देखो सिर्फ, इतना सही है। अब ना ये भी हमारे पास दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Fe2S2 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, कौन सी, एक तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, एक तो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और एक है रिड्यूस्ड फॉर्म, किसकी बात कर रहे हैं, Fe2S2 की, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, इनमें डिफरेंस देखते हैं, ऐसे करके लिखवा रही हूँ ताकि हमें याद करें, थोड़ी ईजी रहे याद करना, ऑक्सीडाइज्ड और ये रिड्यूस्ड, दो तरह के होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, इसे ध्यान रखना, Fe2S2 का मतलब दो आयरन एटम्स है, ठीक है, तो दोनों की ऑक्सीडेशन से डिस्कस करनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बोथ FeRn +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों Fe जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पर आते हैं, हमने लिखा था 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट होते हैं, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मतलब क्या हुआ, दोनों Fe3+ में है, अगर आयरन पहले Fe2+ में है, उसने इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दे तो क्या बनेगा, वो Fe3+ बन जाएगा ना, Fe3+ बन जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, ऐसे देखो सिर्फ एक ही कर सकता है, तो मान लो मेरे पास क्या है, दो आयरन है, ये भी प्लस टू में है, ये भी प्लस टू में है, तो क्योंकि ओवरऑल मिलके क्या कर सकते, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, तो मान लो उसने ट्रांसफर कर दिया, इसके ट्रांसफर करने के बाद क्या बन गया, Fe3+, तो ये तो बन गया Fe3+, ठीक है, किसमें रह गया, Fe2+ में रह गया ना, तो इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे इसको, एक होता है मेरे पास Fe2+, एक रहेगा Fe3+, मतलब पॉइंट ये है, सिर्फ जो एक Fe2+ है वो कन्वर्ट हो गया, अगर Fe3+ बन रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाल दे इसने, लेकिन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में तो दोनों ही +3 में, ऐसा कैसे हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रिड्यूस्ड फॉर्म में भी एक Fe3+ की फॉर्म में ही प्रेजेंट था, रिड्यूस्ड फॉर्म में एक Fe2+ था, एक Fe3+ था, Fe2+ वाले ने एक इलेक्ट्रॉन बना दे दिया, क्या बने, Fe3+ बन गया, इसलिए ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में दोनों ही +3 में है, तो आपको ध्यान रखना है, इस वजह से ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे पाता क्योंकि एक पहले से +3 में ये नहीं देने वाला और, ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 Fe2+, ऐसे लिखो सिंपल को, 1 आयरन इज इन +2 और दूसरे वाला किस में, इज इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा +3 में बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे दोनों क्या है +3 में है, ध्यान रहेगा इतना, इसलिए मैंने लिखवाया सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट होते, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी +3 में और नहीं दे सकता, ये दे सकता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में दोनों ही +3 में हो जाएंगे, इतना ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकी, ऐसे देखो दोनों +3 में है, यानी कि Fe+3, यहाँ पर भी लिखो Fe+3, और आयरन की कॉन्फिग्रेशन क्या होती है, 4s2 3d6, Fe+3 का क्या मतलब है, Fe+3 का मतलब हो गया d5, 4s0 3d5, इसको मैं डाल रही हूँ यहाँ से, और मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगी यहाँ पर, इसके पास भी क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक और चीज़, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट है, यानी कि टेट्राहेड्रल में हाई स्पिन होते हैं, कोई पेयरिंग वेयरिंग तो होती नहीं है, तो अगर पेयरिंग नहीं होगी तो 5 इलेक्ट्रॉन से क्या रहेंगे, अनपेयर्ड ही रहने वाले, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं d5, इसके पास भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर होती है इन दोनों की, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कपलिंग होगी, या ऐसा बोल सकते हो सिंपल एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग यहाँ पर होती है,
एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, पहले लिखो कैसे होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन साथ पेयरिंग कर जाएगा तो ये ऐसे हो गया, ये वाला इसके साथ पेयरिंग करेगा ऐसे हो गया, ये इससे ऐसे करके सारे आपस में पेयरिंग कर लेंगे, उसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसमें हो गई है एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, तो क्या है एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सारे पेयर्ड हो गए, इसकी वजह से हम लिख सकते हैं इसको डायमैग्नेटिक। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में Fe2S2 हाइड्रोक्सीन क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक का मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये सेम काम हम यहां पे भी करवा के देखेंगे। इस वाले केस में अपने पास एक है Fe2+ और एक है Fe3+, Fe2+ Fe3+, 2+ का मतलब D6, ये D5। देखो पेयरिंग नहीं, यहां पर भी नहीं होनी है, चाहे वो +2 में चाहे +3 में हो, वो रहेगा कैसे, हाई स्पिन ही रहने वाला है। इसकी वजह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाले इलेक्ट्रॉन आने पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि डी में सिर्फ 5 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट आएगा, आने पड़ेगा यहाँ पर, है ना। इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, समझ रहे हो ना, चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो। इसको मैंने हटाया यहाँ से, ऐसे हो गया, इसके पास 5 है, यानी कि 5 के 5 के सारे अनपेयर्ड हैं ये। ठीक है, ओके, अभी हम करवाएंगे इनकी एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। उसे क्या होगा, देखो ये पहले से पेयर्ड है ना, अब ये इससे पेयरिंग कर लेगा, ये वाला इससे कर लेगा, ये इससे कर लेगा, और लेट्स से ये इससे कर लेगा सपोज। अभी क्या बचा है अपने पास, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, इसको पहले लिखोगे अपने पास ये एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, दिस इज एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। ये करवाने के बाद भी अपने पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक है, इसीलिए जो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है, इट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ओके, अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अगर हम बात करें ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसे बोलो फिर EPR बोल सकते हैं, ESR भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, जो भी स्पीशीज या फिर जो भी मॉलिक्यूल कह लो, जो भी कोई स्पीशीज जो होगा, अगर वो ESR एक्टिव है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो जिस भी मॉलिक्यूल में, जिस भी स्पीशीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्या होगा अपने पास, ESR एक्टिव होगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ESR इनएक्टिव, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज ESR इनएक्टिव। और क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए थर्ड पॉइंट बना लो उसको, यानी बस क्या है, थर्ड पॉइंट है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, क्या है, ESR इनएक्टिव, और मैं लिख सकते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म इज ESR एक्टिव, क्योंकि उसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इतना क्लियर हो गया, अब तक कुछ भी याद करने की नीड है, बिल्कुल नहीं, हमने जो स्ट्रक्चर लिखा है वही, बस सिर्फ ये वाली चीज़ है एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करके देखनी है, वो हम करवा के देख लेंगे। तो ये था अपने पास Fe2S2 फेरिडोक्सिन, क्लियर हुआ इतना। ओके, आपके माइंड में ए डाउट और हो सकता है कि हमने दोनों सेम स्पिन थी, इसको ऐसे चेंज कैसे करवा दिया, तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे करके तभी हो पाएगी कपलिंग, तो ऐसे हो पाएगी। ठीक है, समझ जाना, ऐसे दिखा दो इसको, सिर्फ मेन पॉइंट ये है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो अपने पास हैं वो अनपेयर्ड हैं, है ना, एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबके स्पिन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ऐसे दिखा सकते हो उसको, इसको वैसे दिखा सकते हो ऐसे, और फिर लास्ट में बस ये ऐसे रह जाएगा, ये रह जाएगा, दोनों को डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए। ठीक है, इस तरह से हमने दिखाया ये, इतना क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फेरिडोक्सिन पे, कौन सा था, Fe4S4। नेक्स्ट है अपने पास सेकेंड टाइप Fe4S4, इसमें चार लिबाइल सल्फर होंगे, इसमें अपने पास चार लिबाइल सल्फर होंगे। लिखो पहले तो लिखो, ये सबसे ज्यादा कॉमन फेरिडोक्सिन जो होता है अपने पास ये होता है, ये बहुत स्टेबल है, यहाँ लिखो मोस्ट कॉमन
एंड मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ फेरिडॉक्सिन, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ फेरिडॉक्सिन. सबसे ज्यादा कॉमन होता है और सबसे ज्यादा स्टेबल भी यही होता है. इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इट इज प्रेजेंट इन एक्टिव साइट ऑफ, आगे देखेंगे इसको, एक्टिव साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. आगे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी पढ़ेंगे, उसमें इस बैक्टीरिया का डायग्राम बनाएंगे कैसे, मतलब एक्टिव साइट कैसी होती है. अब एक्टिव साइट में वापस हमें Fe4S4 देखने को मिलेगा. अब लिखो Fe4S4 फेरिडॉक्सिन इज प्रेजेंट इन एक्टिव साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, कह लो फिर प्रोटीन कह लो, ठीक है. जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोटीन होता है उसकी एक्टिव साइट में Fe4S4 प्रेजेंट होता है. अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर. इसमें होता है क्यूबेन स्ट्रक्चर, इसका होता है क्यूबेन स्ट्रक्चर. पहले ड्रॉ करते हैं. देखो हमने लिखा Fe4S4, ऐसे दिखाओ, Fe है, ये अटैच्ड है सल्फर से, यहाँ पर भी क्या है, सल्फर अटैच्ड है आयरन से, ऐसे. और ये आप जब भी बॉन्ड बनाओगे आयरन का सल्फर से, सल्फर का आयरन से, ऐसे बनाना है, ठीक है. कोई भी आयरन दो आयरन से, मतलब आपस में आयरन आयरन में कोई बॉन्ड नहीं है, सल्फर सल्फर में भी कोई बॉन्ड नहीं है, ऐसे ध्यान रखना है. अब ना हम ये काम कर सकते हैं, ऐसे दिखाएंगे, हमें ना क्यूब बनाना है बेसिकली, तो हम क्यूब बना रहे हैं ऐसे करके, ऐसे दिखाते हैं. जो ये वाला अपने पास आयरन है वो सल्फर से अटैच्ड है, वो सल्फर से अटैच है, ठीक है. आयरन आयरन का कोई बॉन्ड नहीं है, सल्फर सल्फर का भी कोई बॉन्ड नहीं है. ये वाला सल्फर आयरन से अटैच होगा, ये आयरन जो है वो सल्फर से अटैच होगा, यहाँ पर ऐसे, ये सल्फर आयरन से अटैच होगा, ऐसे करके, ठीक है. अब जो ये वाला सल्फर है इसको हम इससे अटैच कर सकते हैं, ऐसे सल्फर आयरन का बॉन्ड, फिर से ऐसे लग रहा है क्यूब जैसा, है ना, इसलिए बोल रहे हैं क्यूबेन, क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब ठीक है, क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसे हो गया. अभी देखो बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो आयरन है उनके बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि आयरन को चाहिए टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट, वो तो है ही नहीं. इस आयरन के पास सिर्फ 3 सल्फर प्रेजेंट है अभी, ये वाला सल्फर 3, एक और बचा हुआ ना, लगा दो उसके पास, कौन सा, SCH2 16, हो गया टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट. ऐसे ही इस वाले आयरन के पास में लगा देंगे SCH2 16. इसलिए आपको बोल रहे हो सिर्फ जनरल फॉर्मूला ध्यान रखो, बाकी आप बना लोगे खुद से. यहाँ पर आते हैं, इसके पास SCH2 16 ये है, ऐसे ही कौन सा बचा, ये रहा SCH2 और ये 16, ऐसे, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर. अब ना हम लिखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर कितने हैं, स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर कितने हैं. ये भी लेबाइल है, जो भी दो आयरन के बीच में कहूंगा मेरे पास लेबाइल सल्फर, इनऑर्गेनिक सल्फर यानी कि लेबाइल सल्फर, वी हैव 4 लेबाइल सल्फर, जिसको हमने सर्कल करा है वो अपने पास क्या है, लेबाइल सल्फर है. और अपने पास क्या है, 4 Fe एटम्स एंड 4 नॉन लेबाइल सल्फर, 4 नॉन लेबाइल सल्फर. इतना ठीक है ना, जल्दी से लिखो फटाफट, फिर आगे चलते हैं. इसमें भी एक लाइन लिखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट. ये लिखो, इसमें भी दो फॉर्म होती है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म, उसको वापस से डिस्कस करेंगे, पहले जल्दी से लिख लो इसको. तो इसकी होती है हमारे पास दो फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड
एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ Fe4S4 ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड. इस बार हमारे पास टोटल चार सल्फर हैं, सो इस चार Fe एटम्स हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो 2 Fe आर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिमेनिंग 2 आर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. 2+3 में होते हैं और 2+2 में होते हैं. ठीक है, अब ना यहाँ पर आते हैं. हमने ये बोला है Fe4S4 के अंदर बस सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर कर सकते हैं. तो जो हमें +2 में क्या करेगा, वो +3 बन जाएगा वहाँ पर जाके. देखो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी तो Fe2+2 रह गए हैं. ठीक है, यानी एक Fe2+ कन्वर्ट होगा इसमें, एक Fe2+ कन्वर्ट होगा Fe3+ में. बोल सकते हैं यहाँ पे पहले कितने थे, 3 Fe जो थे वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे और जो एक Fe था वो किसमें था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था. अब क्या हुआ होगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा, ये चला गया किसमें, +3 में. दो मतलब बाकी कितने बचे, 3 अपने पास है. एक ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके Fe3+ बन गया, यहाँ पे हो गया 2 Fe3+, बाकी कितने बचे, 2 Fe2+ में, 2 किसमें, Fe2+ में. ऐसे हम देख सकते हैं. ठीक है, इतना क्लियर है ना. ओके, अब हम देखेंगे ओवरऑल स्पिन की बात करेंगे वापस से. चाहो तो पूरा लिख सकते हो, एक काम करते हैं, +3 में है ना, यानी कि D5 में है, और +2 मतलब D6 में है. इसमें भी होगी एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, इसमें भी होगी एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग. इसकी वजह से ओवरऑल स्पिन कितनी आएगी, ओवरऑल स्पिन इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारे ही पेयर्ड होंगे. जो 5 दोनों में ना, दोनों पास है, देखो ऐसे लिखे थे आपको, यहाँ पर Fe3+ आई है ना, 1 2 3 4 5 करो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होगी, सारे पेयर्ड हो जाएंगे. पेयर्ड होने की वजह से ओवरऑल स्पिन कितनी होगी, 0. स्पिन तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आएगी ना, इसलिए है ओवरऑल स्पिन 0 होगी, सिंपल हमने लिख दिया. यहाँ पर आते हैं इस वाले केस में, ऐसे क्या होगा, जबकि 6 है ना, 6 को ऐसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6, अभी भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके. ठीक है, तो ये पहले से पेयर्ड है, ये चारों के साथ पेयरिंग कर लेंगे तो क्या होगा, ओवरऑल स्पिन कितनी आएंगी, 0 आएगी. ठीक है, मैं ये सब लिख के नहीं दिखा रही हूँ आपको, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ओवरऑल स्पिन कितनी है, 0. इस वाले केस में देखो, अगर हमने लिए, देखो 3 तो Fe2+ है, Fe2+ का मतलब क्या, D5, तो 2 Fe2+ आपस में कंबाइन कर सकते हैं, मतलब एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ना, जैसे यहाँ पे होते +2+2 हो गए, आपस में कंबाइन हो गए. ठीक है, ये जो +3 है, अब एक Fe+3 जो है वो Fe2+ के साथ कंबाइन करेगा, Fe+3 जो है वो Fe2+ के साथ शो करेगा क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग. 2 Fe3+ ने कुछ, 2 Fe2+ ने क्या किया, आपस में ऐसे करके ओवरऑल स्पिन 0 कर ली. ठीक है, अब एक Fe3+ बचा हुआ है, एक यहाँ से बच गया Fe2+, इसमें देखो कैसे होगा, इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, इसके पास है 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, है ना, इसी कपलिंग इसके साथ होगी, सपोज इसी होगी इसके साथ, इसकी भी हो जाएगी इसके साथ, इसकी भी हो जाएगी. ठीक है, एक बजे अपने पास क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक बचेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ओवरऑल स्पिन कितनी है, ओवरऑल स्पिन इज इक्वल टू 1/2. ओवरऑल स्पिन कितनी बची, 1/2 बची, क्योंकि 2 Fe2+ ने आपस में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कर ली, इसके पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी, तो दोनों क्या करा, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करके ओवरऑल स्पिन 0 कर ली. अब हमारे पास बचा एक Fe3+, एक बचा Fe2+, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास कितने, 4, तो 4 तो 4 से ही कंबाइन कर पाएंगे, एक तो बच जाएगा ना, जो एक इलेक्ट्रॉन बचा अनपेयर्ड, उसके वजह से क्या वो स्पिन 1/2 है, और स्पिन 1/2 होने की वजह से क्या ये पैरामैग्नेटिक है, यहाँ लिखो पैरामैग्नेटिक, ये है पैरामैग्नेटिक. और यहाँ पर क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है, डायमैग्नेटिक, इसको हम लिख सकते हैं डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक. ठीक है, अगर ये डायमैग्नेटिक है तो ESR इनएक्टिव होगा, ESR इनएक्टिव होगा, लिखो इनएक्टिव.
और यहाँ पर क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या होगा आपके पास ये ESR एक्टिव होगा, ESR एक्टिव होगा, ठीक है। बस इतना काफी रहेगा। एक और चीज हम कर सकते हैं, अब एक मेंशन कर सकते हैं यहां पर, एक हमारे पास होता है Fe8S8, ये क्या है, ये होता है डाइमर ऑफ Fe4S4। हम जो ऊपर देखा है अभी Fe4S4, अगर उसका डाइमर बना दिया जिसको हम क्या बोलेंगे Fe8S8, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा Fe8S8, ठीक है। दो क्यूबेन को कंबाइन करवाना है, सिंगल यूनिट बनाना है, डायमंड बनाना है उनका, इतना ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट कौन सा, Fe3S4, थर्ड टाइप ऑफ फेरिडॉक्सिन। Fe8S8 को अलग से नहीं करा क्योंकि वो डाइमर ही होता है उसका। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड Fe3S4। यहाँ देखो इसका स्ट्रक्चर जो है, वैसे बना सकते हैं, हमने आयरन दिखाया यहाँ पर, इधर दिखाया सल्फर, इसको अटैच कर दिया आयरन से, इसको अटैच करवा दिया सल्फर से, ये बन गया। यहाँ पर आयरन होगा, इसके पास सल्फर भी होगा, यहाँ पे भी सल्फर है, इस तरह से हमने दिखाया, ठीक है। इस बार ना एक आयरन कम है, ऐसे दिखाते हैं, एक आयरन तो भी है नहीं ना, इसको ऐसे दिखाएंगे, देखो इसको ऐसे ऐड कर दो, अटैच करवाया, इसका बॉन्ड बना दिया हमने, इसका भी बॉन्ड बना दिया, बस इस बार ऐसे ही है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर एक आयरन होता क्या तो मैं क्यूबेन बन जाता ऐसे करके, क्यूबेन तो नहीं है ये, क्योंकि एक बार क्या है, एक आयरन कम है, Fe3S4 है, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पर। अब ना आगे देखते हैं, इस आयरन के पास क्या सिर्फ तीन सल्फर है, एक और आएगा SCH2 16, इसके पास तीन है, यहाँ लगाओ SCH2 16, है ना, कौन सा बचा, ये तीन सल्फर है, एक और लगेगा SCH2 एंड देन 16, इतना ठीक है। अब ना इसमें जो सल्फर है वो दो तरह के होते हैं, पहले यहाँ पर लिखो वन, मार्क करते हैं 1, 2, 3 and 4, वी हैव 4 लिबाइल सल्फर। इन चार में ना अलग अलग तरह कैसे कैसे, देखो ध्यान से देखना, जो ये वाला सल्फर है वो सिर्फ दो आयरन एटम से कनेक्टेड है, तो इससे एक इससे, इसको हम बोलेंगे ऐसे लिखेंगे इसको, इसका मतलब क्या है, जो ये वाला अपने पास लिगेंड मान लो इसको, ये दो मेटल से अटैच्ड है, उसमें करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में पावर कितने, 2, मतलब दो आयरन एटम से कनेक्टेड है, ये कितने से कनेक्टेड है, 1, 2, 3, तो ये है अपने पास μ3, ये ऐसे कर सकते हैं μ3, यहाँ पर आओ ये भी दो से कनेक्टेड है, इसको ऐसे लिखेंगे, और ये वाला किससे, ये भी दो से है ऐसे। तो इन चार लिबाइल सल्फर में से हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं N3μ2S, ऐसे चार लिबाइल सल्फर में से तीन तो ऐसे हैं जो अपने पास दो आयरन एटम से कनेक्टेड है, और सिर्फ एक ऐसा है सल्फर जो तीन आयरन एटम से कनेक्टेड है। तो इसके स्ट्रक्चर में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इतनी डिटेल में करवा रही हूँ, एक चीज़ को हम ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में से भी क्वेश्चन आते हैं, पता लगा लोगे ना, ये आपको सिर्फ बनाना आना चाहिए, बाकी तो आप क्वेश्चन को घुमा फिरा के निकाल लोगे खुद से। तो सिर्फ एक है जो दो से कनेक्टेड है, बाकी सारे क्या है, तीन तीन से कनेक्टेड हैं। एक सेकेंड, ये दो से कनेक्टेड है, बाकी तीन से, 1, 2, 3, 1, 2, 3, हाँ एक है जो तीन से कनेक्टेड है, बाकी सारे दो से कनेक्टेड हैं, तो इतना ठीक है। इसके बाद मेरे पास कितने, 1, 2 एंड 3,
थ्री नॉन लेबाइल सल्फर, थ्री नॉन लेबाइल सल्फर एंड वी हैव थ्री एफ ई एटम्स, थ्री एफ ई एटम्स. ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर से निकाल के देख लिया. इसके बाद जो Fe3S4 है ये भी दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और साथ में रिड्यूस्ड फॉर्म. यहाँ लिखो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म. ओके, तो इस वाले केस में यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में तीनों ही सल्फर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं. फर्स्ट पॉइंट ये है, ऑल थ्री Fe आर इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट और ये भी अपने पास सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट ही होता है. लिखो ऊपर, अगर मैच नहीं किया तो लिख लो, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट होता है. सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो अगर एक देगा तो सिर्फ एक Fe2+ कन्वर्ट हो सकता है ना Fe3+ में, बोल सकते हैं वन Fe2+ है, बाकी दोनों क्या है पहले से Fe3+ ही होंगे. तभी तो जैसे कन्वर्ट होने इलेक्ट्रॉन देखे Fe3+ में तो तीनों क्या हो गए Fe3+ के हो गए. इस तरह से दिखा सकते हैं. अब यहां पर आते हैं, अपने पास तीन Fe3+ हैं, Fe3+ ऐसे लिख सकते हो, ये तीन है. Fe3+ का मतलब क्या, D5 एंड D5, ये ठीक है. अगर हमें करवानी हुई एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आपस में कर लेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, सारे पेयर हो जाएंगे तो इनकी तो स्पिन कितनी हो जाएगी, यहां से स्पिन आएगी जीरो, इनकी स्पिन आएगी जीरो. लेकिन ये तो भी बचा हुआ है, फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्पिन कितनी हो जाएगी, स्पिन इज इक्वल टू 5/2. तो यहां पर ओवरऑल स्पिन कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है हाफ, पांच कितनी हो जाएगी 5/2. यहां लिखो ओवरऑल स्पिन, ओवरऑल स्पिन इज इक्वल टू 0+5/2 यानी कि 5/2. ठीक है, अब चलते हैं वहां पे रिड्यूस्ड फॉर्म पे. तो रिड्यूस्ड फॉर्म में दो होते हैं Fe3+, Fe3+ कितने हैं, दो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, इनमें हो जाएगी एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, तो मेरे पास पांच ये पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ऐसे करके. इनकी तो ओवरऑल स्पिन कितनी है, जीरो. एक बच गया Fe2+, Fe2+ का मतलब होगा D6 यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, स्पिन कितनी होगी, वी हैव फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि एक कितनी होती, हाफ होती है, कितनी जाएगी 2. सो ओवरऑल स्पिन इज 2. यहाँ लिखो ओवरऑल स्पिन इन केस ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म इज 2. ओके, अब हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक की. क्योंकि यहाँ पर कितने मेरे पास, पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक. और यहां पर वी हैव फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक. और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो ESR एक्टिव होता है, तो ये भी ESR एक्टिव और ये भी ESR एक्टिव. लिखो ESR एक्टिव, ये है. तो यहाँ पर हमने आयरन सल्फर प्रोटीन खत्म कर लिया, हमने रुब्रिडॉक्सिन देखा था और फेरिडॉक्सिन देखा था. फेरिडॉक्सिन में तीन टाइप देख लिए. अब ना कुछ इसे मेंशन करो, मैंने यहाँ पे ख़त्म होता है. आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ लिखो ऑल फेरिडॉक्सिन्स आर, लिखो ऑल फेरिडॉक्सिन्स आर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट, आर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट, ट्रांसफर एजेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे. अगर आपसे कोई पूछता है, मान लो आपको ऑप्शन दे दिया Fe1S0, Fe2S2, आगे दे दिया Fe4S4, Fe3S4, सॉरी Fe4S3, इस ऐसे कुछ दे सकते हैं आपको.
Fe3 होता है, S4 होता है, ये है Fe4, S4 भी है, Fe2, S2 भी है, और ये अपने पास कौन सा है, Fe8, S8, ये है। इन सब में से ऐसा कौन सा फेरिडॉक्सिन है जो रिड्यूस्ड फॉर्म में भी और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी क्या होता है, ESR एक्टिव होता है, ऐसा कौन सा है? ऐसा सिर्फ Fe3S4 है। यानी लिख सकते हो, स्पेशली मेंशन कर लो, ओनली Fe3S4 इज ESR एक्टिव इन ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड फॉर्म, इन ऑक्सीडाइज्ड as well as reduced form, as well as reduced form। तो यहाँ पर अपना खत्म होता है आयरन सल्फर प्रोटीन यानी कि नॉन हीम प्रोटीन। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हीम प्रोटीन्स।